आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई है। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नीतीश सरकार है वो घोटालों की सरकार है, जिसको लेकर उन्होंने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किया है। तो हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नीतीश जी आजकल कुछ भी बोल रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि बिहार का वित्तीय बजट 2,11,761 करोड़ है, जिसका 40% उनकी सरकार अपनी ढूल मूल गैर जिम्मेदाराना भ्रष्ट और लचर नीतियों के कारण खर्च ही नहीं कर पाती है। और अंत में नाकामियों के कारण 80,000 करोड़ रुपए हर वर्ष सरेंडर होता है। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि कोई कार्यकुशल सरकार लगभग 40% बजट राशि हर वर्ष सरेंडर क्यों करेगी। आदरणीय नीतीश जी और सुशील मोदी जी, हम इस विशाल काय राशि का प्रयोग आपकी तरह लुभाने जातीय वोट बैंक बनाने की बजाय नए विकास कार्यों और लाखों नई नौकरियों के वेतन के रूप में कर सकते हैं। वहीं उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी और सुशील मोदी को बजट का कैसे पता चलेगा, इनके कार्यकाल में सृजन धान तटबंध घोटाले सहित 30,000 करोड़ के 60 घोटाले हुए हैं, यानी इन्होंने बिहार का 30,000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। वहीं उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि हमारी सरकार बिना भ्रष्टाचार पूरी पारदर्शिता से एक एक पैसा सही कार्य में लगाएगी, राज्य की उत्पादकता बढ़ाएगी, पूंजीपतियों को निवेश के लिए आकर्षित कर नए उद्योग लगाएगी और राज्य की आय कई गुना बढ़ाएगी। तो इस तरह तेजस्वी यादव ने टोटल 4 ट्वीट किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार की जो सरकार है वो घोटाले की सरकार है, जनता अब इसे बदलना चाहती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।